Hi guys, I am Vinay Pandey, master teacher at Vedantu, and let us solve question number 17 and question number 18 of JEE Advanced 2019 paper 2 chemistry. And this question number 17 says that, you know, list 1 includes starting materials and reagents of the selected chemical reactions. List 2 gives structures of compounds that may be formed as the intermediate products and or final products from the reactions of list 1. Which of the following options has correct combination considering list 1 and list 2? ठीक है, अब यहाँ पर दो लिस्ट हैं. लिस्ट 1 में क्या है? लिस्ट 1 में स्टार्टिंग कंपाउंड है और उसके रिएजेंट्स हैं कि इनको कौन कौन से रिएजेंट्स से ट्रीट करके देखा गया, और इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इस लिस्ट 2 में से कोई एक या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन हो सकता है. ठीक है ना, जैसे पहले स्टेप के बाद कोई प्रोडक्ट बना, हो सकता है वो यहाँ पर हो. आफ्टर सेकंड स्टेप सम अदर प्रोडक्ट, मे बी इट इज़ मेंशनड हियर, तो वो सब हमें चेक करना पड़ेगा. और ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं. ऐसे ही 18 में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कॉम्बिनेशन हमें चेक करना है. ठीक है ना, एक एक करके. तो ऐसा करते हैं, इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन इज दिस. यू सी, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. पहली रिएक्शन से शुरू करते हैं. पहली रिएक्शन है बेंजीन के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है CH2CN और इधर की ओर प्रोटेक्टेड वाला. ठीक है भाई, तो बेंजीन के ऊपर लगाया इन्होंने CH2CN और इधर की ओर एक प्रोटेक्टेड रिंग बनवाई है. दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली CHO, बट नाउ इट इज़ प्रोटेक्टेड. ठीक है ना, फर्स्ट रिएक्शन इज विद डाइबल. तो डाइबल के साथ जब रिएक्शन करेंगे, सो दिस साइनाइड बिकम्स CHO, यू नो दिस बिकम्स CHO एंड दिस प्रोटेक्शन विल रिमेन एज इट इज. ठीक है भाई, फिर हमने क्या किया है, इसको डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया है. डाइल्यूट HCl से ट्रीट करने का मतलब ये है कि अब ये प्रोटेक्शन हट जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा CHO और ये प्रोटेक्शन हटने के बाद ये भी हो जाएगा CHO, राइट? ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट रिएजेंट है NaBH4. NaBH4 विल बेसिकली कन्वर्ट दीज टू साइड चेन्स एज CH2OH एंड CH2OH. ठीक है ना, CH2OH एंड CH2OH, ये है Q. लिस्ट 2 में हम देखेंगे कि ये Q है, लेकिन रिएक्शन यहाँ कंटिन्यू होती है. Q के साथ रिएक्शन कंटिन्यू होती है अभी, और लास्ट स्टेप में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं इसे. ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे अगर, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक व्हाट यू कॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. इसमें से H2O निकाल कर और ये एक ईथर बनवा लेगा. सो आर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन सीक्वेंस इज एक्चुअली ये यहाँ से CH2 और ये ईथर. ठीक है ना, ये ईथर बन गया. इस प्रोडक्ट का नाम है R. ये R सेकेंड लिस्ट में देखें तो R में यही प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी हमारे पास Q है और हमारे पास R. ठीक है भाई, चलो सेकेंड रिएक्शन सीक्वेंस देख लेते हैं. सेकेंड रिएक्शन सीक्वेंस में इन्होंने कहा है कि हमने लिया है CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2 एंड COOH, 1-2 पोजिशंस पे लिया. ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं. तो ये है बेंजीन रिंग, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2 ऐसे, और यहाँ पर लिया हुआ है COOH डायरेक्टली, राइट? ये है COOH. पहली रिएक्शन जो इन्होंने कराई है वो है ओजोनोलिसिस. फॉलोड बाय जिंक वाटर, दैट मीन्स रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इस बॉन्ड के दो हिस्से हो जाने, इस बॉन्ड के, और ये बन जाएगा CHO. सो यू आर हैविंग CH2, CHO एंड COOH. पर इस प्रोसेस में
एक फॉर्मल्डिहाइड बाहर हो गया, राइट, फॉर्मल्डिहाइड इज आउट, उसका हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है पी, हमारे लिस्ट टू में देखना, इस कंपाउंड का नाम पी है, ठीक है। अब इसके बाद इसको इन्होंने किया है NaBH4 से ट्रीट। अगर हम NaBH4 से ट्रीट करें इसको, सो एसिड विल नॉट बी अफेक्टेड बट CHO विल बी कन्वर्टेड टू CH2OH। तो ये हो गया CH2OH और ये हो गया COOH, यू नो ये है S, दिस प्रोडक्ट इज S, ऑफ कोर्स इट इज़ ए बेंजीन रिंग, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट हो गया S, और अब इसको जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, तो ये बन गया, ये आपको पता है ये एस्टरीफिकेशन हो जाना है इसका। सो दिस विल बिकम, यू सी 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई, सिक्स मेंबर एस्टर बन जाएगा, जिसको हम लैक्टोन बोलते हैं, सिक्स मेंबर एस्टर, ऐसे ही दिस इज सिक्स मेंबर एस्टर, ठीक है। इस प्रोडक्ट को यू में शो किया गया है, लिस्ट टू में देखना यू है, पी क्यू आर एस और यू आ चुका है हमारे पास, सेकेंड रिएक्शन तक ही ये सारे आ गए, ठीक है ना। चलो भैया थर्ड देखते हैं, थर्ड रिएक्शन सीक्वेंस क्या है। थर्ड रिएक्शन सीक्वेंस है कि CH2Cl लिया और COOM लिया, ठीक है भाई। चलो 1-2 पोजिशंस पर हमने ले लिया है CH2Cl और COOCH3, राइट। और इसकी रिएक्शन हमने करवानी है पहले KCN से, KCN से SN2 रिएक्शन हो जाएगी, CN माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, Cl इज आउट, तो ये बन जाएगा CH2CN, राइट। और ये COOCH3 जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है। अब आपने इसकी करवाई है हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस साइनाइड विल बी कन्वर्टेड टू COOH एंड इवन एस्टर विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है ना। तो ये COOH और ये एस्टर भी हाइड्रोलाइज होकर COOH बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका नाम रखा है इन्होंने टी, लो भाई टी भी आ चुका है, ऑलमोस्ट एवरी कंपाउंड हैज कम नाउ। और इसके बाद फिर इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं ये, इस रिएक्शन को इन्होंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो दो बोथ ऑफ दिस COOH ग्रुप्स विल बी कन्वर्टेड टू OH, राइट। आपको पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी को रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यही स्लोगन है कि जब होगा सब होगा, यानी सभी तरह के ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तो नहीं करता, लेकिन ऐसा सिनेमाइल सिस्टम वाले डबल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस कर देता है। और अब इन्होंने कहा है, ये क्यू आ गया, ये तो क्यू पहले से ही था, दिस वॉज क्यू। अब इन्होंने कहा है कि फिर से हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करोगे तो ये पहला वाला जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है वही रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद R आ जाएगा, Q विल बी कन्वर्टेड टू R इन केस इफ यू ट्रीट Q विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। सो दिस इज R अगेन, रिएक्शन सीक्वेंस थर्ड भी आ गया। रिएक्शन सीक्वेंस फोर्थ भी देख लेते हैं। रिएक्शन सीक्वेंस फोर्थ में हमने देखा है कि स्टार्टिंग कंपाउंड फोर्थ में है COOME और CH2COOME, ठीक है भाई, लो इट इज COOME एंड CH2COOME, ठीक है। इसको ट्रीट किया इन्होंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल कन्वर्ट दिस इनटू, यू सी CH2OH एंड CH2CH2OH, ठीक है ना। और इसमें जो दो मोल मिथेनॉल के अलग होंगे वो सो अलग, ये रिडक्शन के प्रोडक्ट नहीं है, ये तो निकाले जाते हैं, दे आर द लिविंग ग्रुप्स बेसिकली। और ये फिर से क्यू हो गया सब, ये फिर से क्यू हो गया। और इस क्यू को जब हमने ट्रीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो अब R बनने वाला है, आपको पता है इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड इट विल गिव R। तो लो भाई आ गए हम फिर से वहीं पर घूम फिर के, ठीक है ना। तो जरा चेक करते हैं, फोर्थ के साथ तो क्यू आर कनेक्टेड है, थर्ड के साथ भी टी क्यू आर कनेक्टेड है,
सेकंड के साथ कनेक्टेड है PSU और फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है QR। जरा देखते हैं, पहले 17 में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या? 17 में थर्ड के साथ SR है, सॉरी हम सॉरी 17 में सेकंड के साथ PSU है। तो ठीक है भाई, सेकंड के साथ तो PSU है, क्यों? सेकंड के साथ हमें क्या क्या मिला है? सेकंड के साथ इन केस ऑफ सेकंड आई वी गॉट PS एंड U, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, राइट। और क्वेश्चन नंबर 18 में देख लो, थर्ड के लिए SR वो गलत है, फोर्थ के लिए QU वो भी गलत है, और सी में है फोर्थ के लिए QR, ये सही है भाई, फोर्थ के लिए QR, और डी के थर्ड के लिए TU, चेक कर लेते हैं। ए और बी तो रॉन्ग है, हो गया वैसे ही, सी और डी जरा कंफर्म कर लेते हैं। फोर्थ के लिए QR, फोर्थ के लिए QR करेक्ट है भाई, फिर फोर्थ के लिए QR करेक्ट है, और थर्ड के लिए एक्चुअली हम लोगों ने TQR निकाला है, तो थर्ड के लिए इन्होंने TU लिखा था, गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे 18 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें पहले सारी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस में इन्होंने ये रिएक्शन दी है तो कैसे 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 आगे बढ़ा, और हमें ये लिस्ट टू से ये भी चेक करते जाना है कि क्या हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो लिस्ट टू में प्रेजेंट है। जैसे कि इन रिएक्शन सीक्वेंस वन वी गॉट टू प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड इन सेकेंड लिस्ट, राइट, क्यू एंड आर। इन रिएक्शन सीक्वेंस सेकेंड वी गॉट थ्री प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड इन सेकेंड लिस्ट। इन रिएक्शन सीक्वेंस थर्ड वी गॉट अगेन थ्री प्रोडक्ट्स टी क्यू एंड आर विच आर लिस्टेड इन सेकेंड लिस्ट। एंड इन रिएक्शन सीक्वेंस फोर वी गॉट अनदर टू प्रोडक्ट्स विच आर क्यू एंड आर एंड दे आर ऑल्सो लिस्टेड इन लिस्ट टू। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही। 17 का आंसर ए है और 18 का आंसर सी है। ओके, प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।